अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 290 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 291 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत के लिए कप्तान यश धुल ने 110 रन और उपकप्तान शेख रशीद ने 94 रनों की शानदार पारी खेली। इस धमाकेदार सेमीफाइनल मुकाबले में धुल और रशीद के बीच 204 रनों की मैच जिताऊ पार्टनरशिप हुई। वहीं 291 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पारी 194 रनों पर ही सिमट गई और 96 रनों से ऑस्ट्रेलिया ये सेमीफाइनल मुकाबला हार गया। इसके साथ ही भारत ने 8वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। भारत के लिए विक्की ओसवाल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। वहीं शानदार बल्लेबाजी के लिए यश धुल को मैन ऑफ द मैच मिला। अब टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला 5 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।